गुड इवनिंग, मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज स्टैटिक जीके का एक और वीडियो आपके लिए लाया हूं, जो आने वाला जो भी परीक्षा होगा उसके लिए काफ़ी आपके लिए उपयोगी होगा। इससे पहले आपको स्टैटिक जीके का 5 क्लास दिया जा चुका है, जिसको आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो उसको पहले देखे, उसके बाद ये 6ठा क्लास आप लोग देखे, क्योंकि आज क्लास 6 लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। इससे पहले 5 वीडियो इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहले आप वो 5ों वीडियो देखें, उसके बाद 6ठा वीडियो देखें, तभी आपको स्टैटिक जीके अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके भी आपका रटने वाला नहीं है, ये भी समझने वाला है। तो समझना है तो पहले पीछे वाला देखिए, उसके बाद इसको देखें, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए पहले 5 वीडियो आपको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको देखें, उसके बाद 6ठा वीडियो को देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से, चाहे कोई भी परीक्षा हो, बिहार दरोगा हो, BPSC हो, NTPC मेंस हो, ग्रुप डी हो, बिहार पुलिस हो, SSC GD हो, सभी परीक्षा के लिए ये स्टैटिक जीके आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो है वो हर परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इसको देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। इसके अलावा आपका करेंट सीरीज चल रहा है, डेली करेंट सीरीज जाता है, आप उसको देखते रहें। आपको जो है डेली, अगस्त का भी खत्म हो चुका है, सितम्बर भी चल रहा है, आपका अगस्त प्ले लिस्ट या सितम्बर के प्ले लिस्ट में जाकर आप टोटल करेंट रिवाइज करते रहें, देखते रहें। उसके अलावा स्टैटिक जीके देखें, ओलंपिक भी देखें, ओलंपिक का भी वीडियो आपको मिल जाएगा वहां पे। तो ये सब देखते रहें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और जो भी परीक्षाएं बैठेंगे इससे काफ़ी प्रश्न रहता है, इसलिए आप सभी इसको देखते रहें। और इसके साथ देखने के साथ साथ आप सभी इस वीडियो को या इस क्लास को शेयर करते रहें, ठीक है। तो शेयर भी नहीं रुकना चाहिए और पढ़ाई भी नहीं रुकना चाहिए, दोनों साथ साथ होना चाहिए। मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और ईमानदारी से शेयर कीजिए, देखिए कि सब जो है वो काफ़ी आपके लिए जो है और क्लास के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये करते रहें, और आइए आज के एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके परीक्षा के दृष्टि से, उसको हम देखेंगे। आज है, आप लोगों को हम पहले संगीत या नृत्य करवा चुके हैं, आज हम लोग भारतीय मूर्ति कला को देखेंगे। मूर्ति कला शैली क्या है स्टैटिक जीके में, ये काफी महत्वपूर्ण है। मूर्ति कला शैली आपका परीक्षा में, जैसे हम बताए थे कि नृत्य शैली से जैसे प्रश्न पूछा जाता है, वैसे ही परीक्षा में मूर्ति कला से भी एक प्रश्न निश्चित रहता है, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि भारतीय मूर्ति कला क्या कसता है, कि कह रहा है कि भारतीय मूर्ति कला, इसको कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भारतीय मूर्ति कला का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखा गया है। यानी कि भारतीय मूर्ति कला का विकास कब प्रारंभ हुआ, तो आप जान रहे हैं कि सबसे पहला सभ्यता जो भारत का था वो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। विश्व की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया, क्योंकि इसके लिपि चित्रात्मक है, इसके वजह से इसको नहीं पढ़ा गया। आज तक बहुत सारे विद्वानों ने इसको पढ़ने का कोशिश किया लेकिन नहीं पढ़ पाया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता थी, उसके लिपि को नहीं पढ़ा गया, और वहां से आपका मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण देखने के लिए मिलता है। यानी कि प्राचीन काल से ही मूर्ति कला का विकास हुआ था। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मूर्ति कला कितना महत्वपूर्ण है, कि विश्व की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता या भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्ति कला का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए कह रहा है कि भारतीय मूर्ति कला का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखा गया है। तो समझ सकते हैं कि मूर्ति कला कितना महत्वपूर्ण होगा, जो पहला सभ्यता ही था वो मूर्ति कला को अपनाया था, तो आज तो हम लोग काफी डेवलप हो चुके हैं। तो इस तरह से इसका विकास कहां से देखा गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता से देखा गया। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वोत्तम उदाहरण अगर मूर्ति कला में देखा जाए तो कहां से देखने के लिए मिलता है, तो इसका उत्तर आपका होगा मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो से आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति,
ये आपका मोहन जोदड़ो का से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वोत्तम मूर्ति कला का उदाहरण कहाँ से मिलता है, तो मोहन जोदड़ो से मिलता है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वोत्तम मूर्ति कला का उदाहरण है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वोत्तम मूर्ति कला का उदाहरण कहाँ से मिलता है, तो इसका उत्तर मोहन जोदड़ो के कांसे की नर्तकी के मूर्ति है, जो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोहन जोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था, जबकि पहला सैंधव स्थल हड़प्पा था जो रावी नदी के किनारे स्थित था। इसके उत्खनन करता 1921 में सर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जबकि मोहन जोदड़ो के उत्खनन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने कराया था। आप ध्यान रखेंगे मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सिंध आपका पाकिस्तान में ललकाना जिला में स्थित है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यही मोहन जोदड़ो से आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वोत्तम मूर्ति कला का उदाहरण मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे मूर्तियां का विकास देखा गया सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन सर्वोत्तम मूर्ति कला कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ध्यान रखेंगे आप लोग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग कीजिएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि मौर्य काल में मानव मूर्ति से अधिक पशु मूर्ति का प्रमाण मिलता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपका इतिहास शुरू होता है। उसके बाद देखिएगा कि आपको जो है वो वैदिक काल पढ़ेंगे, जिसमें ऋग वैदिक का, उत्तर वैदिक का, उसके बाद आपका फिर जो है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखते हैं कि 16 महाजनपद, श्रेष्ठ महाजनपद का उल्लेख मिलता है, और उसी में एक महाजनपद आपका मगध रहता है, जो लगभग 1000 वर्षों तक भारत का इतिहास मगध के इतिहास के नाम से जाना जाता है। और वही मगध में आप मौर्य काल पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित करके स्थापना किया था। वही मौर्य वंश के मूर्ति कला का देखा जाए तो उसमें मानव मूर्तियां से ज्यादा आपका पशु मूर्ति का प्रमाण मिलता है। तो ध्यान रखेंगे कि मौर्य काल में कैसा प्रमाण मिला है, किस तरह के मूर्तियां का प्रमाण मिला है, तो पशु मूर्ति का प्रमाण मिलता है मानव मूर्ति से कहीं अधिक। तो वही कह रहा है कि मानव मूर्ति से अधिक पशु मूर्ति का प्रमाण मिलता है किस काल में, तो मौर्य काल में, ध्यान रखेंगे। जैसे रामपुरवा का बैल काफी फेमस है, सारनाथ की सिंह शीर्ष, आप देखिएगा सारनाथ वाराणसी में है, वहां से सिंह शीर्ष, जहां से आपका जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सिंह शीर्ष को अपनाया गया है, तो वो मौर्य कालीन है और मौर्य काल का ये उदाहरण है। यानी कि मौर्य काल में मानव मूर्ति से अधिक पशु मूर्ति का प्रमाण मिलता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कह रहा है कि मौर्य कालीन मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण, यानी कि मौर्य काल में देखा जाए तो सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ से मिलता है, तो इसका उदाहरण काफी महत्वपूर्ण है, दीदारगंज के यक्षिणी, ये अभी आपका पटना संग्रहालय में रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आप लोग कभी जो है वो संग्रहालय म्यूजियम पटना में जाइएगा तो वहां देखिएगा कि दीदारगंज की यक्षिणी इतना अच्छा मूर्ति है। इसको भारत सरकार कभी जो है वो मंगाया था देखने के लिए, कुछ जो है इसमें नुकसान पहुंचा था, इसके लिए भारत सरकार को भरपाई करना पड़ा था। इतना महत्वपूर्ण है यक्षिणी की मूर्ति जो दीदारगंज से प्राप्त हुआ है, और ये मौर्य कालीन मूर्ति कला है, और ध्यान रखेंगे कि अभी कहां पर स्थित है, तो पटना संग्रहालय में स्थित है। आप कभी जाइए तो इसको देखिए, बहुत सर्वोत्तम मूर्ति कला है। तो ध्यान रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वोत्तम मूर्ति कला का उदाहरण कहां से मिलता है, तो मोहन जोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति। मौर्य काल में अगर देखा जाए तो सर्वोत्तम मूर्ति कला का उदाहरण कहां से मिलता है, तो दीदारगंज के यक्षिणी, और मौर्य काल में मानव मूर्ति से अधिक पशु मूर्ति पे जोर दिया गया है। ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग, ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं वो एक प्रश्न है, इसलिए आप जो है वो ध्यान केंद्रित करके मेरी आवाजों को सुने, लिखने से ज्यादा सुनने पे विश्वास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देंगे आप लोग। इसके अलावा कह रहा है कि भारतीय मूर्ति कला के निम्नलिखित शैलियां हैं, यानी कि इसकी शैली जो है वो निम्नलिखित है,
इसमें बहुत महत्वपूर्ण है गांधार कला शैली। आप लोग पढ़े हैं गांधार कला शैली, गांधार के नाम भी सुने होंगे आप लोग। महाभारत में जो है वो मामा शकुनी गांधार नरेश ही थे। तो ये गांधार भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, तक्षशिला इसका केंद्र था। तो गांधार कला शैली भी आपका जो है वो मूर्ति कला का विकास हुआ था। तो ये कह रहा है कि गांधार कला शैली इसका विकास, इसमें जो है वो विकास कुषाण शासक कनिष्क के प्रोत्साहन से। आप पढ़े होंगे कनिष्क कुषाण वंश, तो कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था और इसी के प्रोत्साहन से गांधार कला शैली का विकास हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि गांधार कला शैली का विकास किसके प्रोत्साहन से हुआ, तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के प्रोत्साहन से हुआ था। और इसका केंद्र कहाँ था, तो तक्षशिला, जो उत्तर पश्चिम भारत का जो है उत्तर पश्चिम भारत में देखिएगा तक्षशिला इसका केंद्र था और ये गांधार क्षेत्र में आता था। तो ध्यान रखिए कि गांधार कला शैली का केंद्र कहाँ था, तो तक्षशिला था। ध्यान रखिएगा इस शैली में भगवान बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बना था, यानी कि गांधार कला शैली में बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी है। ध्यान रखिएगा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां किस कला शैली में बनी है, तो गांधार कला शैली में बनी है। और इसमें जो बुद्ध का मूर्ति बना है वो यूनानी देवता अपोलो के समान प्रतीत होते हैं। ध्यान रखिएगा यानी कि गांधार कला शैली में भगवान बुद्ध के जो मूर्ति बना वो यूनानी देवता अपोलो के समान बना था। यहाँ पर जो है वो यूनानियों के द्वारा इस कला शैली में जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई वो मूर्तियां पर यूनानी प्रभाव दिखता है, इसलिए इसे इंडो रोमन शैली या इंडो ग्रीक शैली, हिंद यूनानी शैली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा क्यों, क्योंकि इस के मूर्तियां पर यानी कि इस कला शैली में, गांधार कला शैली में जो भी भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी उस पर यूनानियों का प्रभाव दिखा, इस वजह से इसे हिंद यूनानी शैली या इंडो ग्रीक शैली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इसमें भगवान बुद्ध के मूर्ति जो बना उसमें इन्हें जो है वो सूट बूट पहना दिया गया, तो भगवान बुद्ध सूट बूट तो नहीं पहनते थे, इसलिए जो है ये इसे इंडो रोमन शैली कहा जाता है। और इसमें भगवान बुद्ध जो है वो आपका अपोलो, यूनान देवता अपोलो के समान दिखते हैं। ध्यान रखिएगा तो कह रहा है कि भगवान बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें मूर्तियां बनी, इसमें हिंद यूनानी शैली, इंडो ग्रीक शैली, इंडो रोमन शैली कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, वीवीआई ये लिखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हिंद यूनानी शैली, इंडो ग्रीक शैली या इंडो रोमन शैली कहा जाता है। भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां इसी कला शैली में बनी थी, यानी कि भगवान बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बनी, तो गांधार कला शैली में बनी थी, सबसे अधिक मूर्तियां बनी। लेकिन इसमें प्रभाव किसका दिखा, तो यूनानियों का दिखा। किसके प्रोत्साहन से इसका विकास हुआ, तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के प्रोत्साहन से हुआ था। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आपका गांधार कला शैली। इसका केंद्र कहाँ था, तो तक्षशिला इसका केंद्र था उत्तर पश्चिम भारत में। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, दूसरा शैली जो है वो मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली को ही स्वदेशी शैली कहा जाता है। तो मथुरा कला शैली या स्वदेशी शैली, अब आप समझ सकते हैं कि मथुरा कला शैली का विकास कहाँ हुआ होगा, तो ये मथुरा के आसपास, मथुरा प्राचीन काल से ही काफी प्रसिद्ध स्थल रहा है। देखा जाए तो महाभारत और रामायण काल में भी मथुरा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो इस तरह से मथुरा कला शैली कह रहा है कि इसका भी विकास कुषाण शासक कनिष्क के समय में ही हुआ था, यानी कि इसमें भी देखें कि कनिष्क के प्रोत्साहन से हुआ, इसका भी जो है वो कनिष्क के समय में ही हुआ था मथुरा कला शैली का विकास, पूर्णतः इसे स्वदेशी शैली। ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछता है कि इनमें से किस मूर्ति कला शैली को स्वदेशी शैली कहा जाता है, तो इसका उत्तर मथुरा कला शैली हो जाएगा। सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण इसी शैली में हुआ था। अगर सर्वाधिक दे दे तो ध्यान रखिएगा कि गांधार कला शैली, अगर दे दे कि जो है वो पहली बार जो है किस शैली में हुआ, तो मथुरा कला शैली, यानी कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला शैली में बनी। सबसे पहली मूर्ति किस कला शैली में बनी, तो मथुरा कला शैली में बनी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कह रहा है एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी है, महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हिंदू धर्म से भी संबंधित, बौद्ध धर्म से भी संबंधित और जैन धर्म से भी संबंधित
तीनों प्रकार की मूर्तियां देखने के लिए मिलती है, यानी कि मथुरा कला शैली तीनों धर्म से संबंधित है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ चुका है कि इनमें से कौन सा मूर्ति कला शैली तीनों धर्म से संबंधित है, तो मथुरा कला शैली से स्वदेशी शैली कहा जाता है। कह रहा है कि मथुरा कला शैली में सबसे सुंदर मूर्तियां पक्षियों का है, यानी कि सबसे सुंदर मूर्ति इस कला शैली में किसका बना, तो पक्षियों का बना। पक्षी की मूर्ति बहुत सुंदर इसमें बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, मधु नामक द्वैत ने मथुरा का निर्माण किया था। समझिए कि मधु नामक द्वैत था, इसने मथुरा नगर का निर्माण कराया था। और मधु समझिए कि जो है मथुरा मतलब कि बहुत जो है वो प्रसिद्ध स्थल माना गया था मथुरा को। और इस तरह से इसमें लाल रंग के पत्थर से बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा कि मथुरा कला शैली में भगवान बुद्ध के जो मूर्ति बनी वो लाल पत्थर से बनाई गई थी, और इसमें महावीर की भी मूर्ति बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, यानी कि हिंदू धर्म से संबंधित भी मूर्तियां मिलती है, जैन धर्म से भी मिलती है, बौद्ध धर्म से भी मिलती है, तो महावीर की भी मूर्ति यहां पर मिला है। ध्यान रखिएगा, तो महावीर की भी मूर्ति, क्योंकि जैन धर्म से भी संबंधित यहाँ पर मूर्तियां मिली तो महावीर की भी मूर्तियां मिली। तो इस तरह से आपका स्वदेशी शैली है मथुरा शैली, और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार बुद्ध की मूर्ति बनी और सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला शैली में बनी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियां की जानकारी मिलती है, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो दो हम लोग देखें, तीसरा देखते हैं, जो भी हम बोल रहे हैं इस पे आप लोग ध्यान देकर सुने, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका टॉपिक। हर परीक्षा में स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप स्टैटिक जीके को ढंग से पढ़े और देखते रहें, जब भी समय मिले आप देखते रहें, क्योंकि इससे भी पहले आपको 5 वीडियो मिल चुका है, आप उसको देखते रहें। उतना ही से आप देखिए कि कोई भी परीक्षा का क्वेश्चन उठाइए और देखिए कि 2 क्वेश्चन उससे रहेगा, इसलिए आप इसको देखते रहें, जब भी समय मिले इसको देखें। नोट्स तो बनाएं, लेकिन जब भी समय मिले इसको देखते रहें, बार बार आपको रिकॉल होते रहेगा, नहीं देखिएगा तो ये आपका नहीं रहेगा, इसलिए इसको रखना है, अपना बनाना है, तो इसको बार बार जो है वीडियो को देखें और सुने। इसके अलावा प्लीज आप सभी इसको शेयर भी करें। अगला कह रहा है अमरावती कला शैली, तो अमरावती कला शैली ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में, अमरावती जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। अभी आप देख भी रहे हैं कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी होने वाली है, तो अमरावती आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में स्थित है। कभी कभी पूछ देता है तो इसलिए हम लिख दिए हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इसका विकास कब हुआ, तो सातवाहन शासन काल में, सातवाहन शासन काल में आपका विकास हुआ अमरावती कला शैली का। ध्यान रखेंगे, सातवाहन एक महत्वपूर्ण शासन काल है, आप इतिहास में पढ़िएगा सातवाहन शासन काल, जिसमें जो भी शासक रहता है वो अपने माता के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, इसमें नाम सुनिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, तो ये सब अपने माता के नाम से जाने जाते हैं इसके साथ साथ। तो सातवाहन शासन काल में जिस कला शैली का विकास हुआ वो अमरावती कला शैली है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध धर्म की मूर्तियां का निर्माण हुआ, यानी कि अमरावती कला शैली में भी बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां का निर्माण होती है, और भारत में पहली बार उजले संगमरमर का प्रयोग अमरावती कला शैली में ही हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, वीवीआई है आपका परीक्षा के दृष्टि से। भारत में पहली बार उजले संगमरमर का प्रयोग किस मूर्ति कला शैली में हुई, तो अमरावती कला शैली में हुई, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इस तरह से अमरावती से संबंधित ये प्रश्न है। सबसे ज्यादा परीक्षा में यही पूछा कि उजले संगमरमर का प्रयोग किसके, कौन से मूर्ति कला शैली में हुआ, तो अमरावती कला शैली। और अमरावती कला शैली का विकास किस के शासन काल में हुआ, तो सातवाहनों के शासन काल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला है गुप्त कला, आप लोग गुप्त काल पढ़े होंगे, ठीक है, तो वही गुप्त काल में आप जो है इसके संस्थापक श्री गुप्त, इसी में आपको चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, ये सब शासक मिलते हैं, तो गुप्त कला में भी आपका और मूर्ति कला का विकास हुआ था। तो इसका विकास किसके शासनकाल में, यानी कि गुप्त शासकों के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसका उदाहरण आपको देखने के लिए मिलता है, इसमें विशेष आप गुप्त काल जो है वो इतिहास में पढ़ेंगे वहां पे आपको विशेष जानकारी मिलेगी, लेकिन यहाँ से महत्वपूर्ण है कि गुप्त कला का शैली का विकास किसके शासनकाल में, तो गुप्तों के शासनकाल में हुआ। और इसका उदाहरण है कि सारनाथ के बुद्ध मूर्ति, यानी कि सारनाथ वाराणसी में जो बुद्ध मूर्ति है इसी का उदाहरण है, या फिर सुल्तानगंज जो बिहार में है,
सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति बहुत बार एक परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा वीवीआई है। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से मिली, तो सुल्तानगंज से। किस कला शैली की मूर्ति है, तो गुप्त कला शैली की ये मूर्ति है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इस तरह से हम चार देखें, पांचवा है पाल कला शैली या बंगला शैली या पूर्वी शैली, यानी कि पाल शासन काल का विकास जो है वो बंगाल में ही हुआ था, इसलिए इसे बंगला शैली या फिर पूर्वी शैली, क्योंकि ये पूरब में है तो पूर्वी शैली के भी नाम से जाना जाता है। इसका विकास कह रहा है कि पाल शासकों के शासनकाल में हुआ, यानी कि पाल कला शैली का विकास किसके शासनकाल में, तो पालों के शासनकाल में, जो भी पाल वंश के शासक थे वो सभी इसका विकास किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके जो भी मूर्तियां थी वो काले पत्थर कसौटी से निर्मित थी, यानी कि काले पत्थर कसौटी से निर्मित मूर्तियां का निर्माण पाल शासन काल में हुआ था। ये तंत्रयान या वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी थी, यानी कि तंत्रयान या बौद्ध वज्रयान का जो है वो मानते थे, बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था और इसे पाल शासकों के द्वारा माना जाता था। तो इस तरह से ये तंत्रयान या वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां कौन सी कला शैली बनी, तो पाल शासन काल में बनी थी, और इसमें हिंदू देवी देवताओं के भी मूर्तियां मिलती है, यानी कि बौद्ध के अलावे हिंदू देवी देवताओं के भी मूर्तियां किस कला शैली में मिलती है, तो आपका पाल शासन काल में मिलती है। कह रहा है कि अतिशय अलंकरण के कारण मूर्तियां भाव उत्पन्न नहीं कर पाती है, यानी कि पाल कला शैली में जो भी मूर्तियां बनी उस पे इतना सजावट किया गया, अलंकरण किया गया, जिससे मूर्तियां अपना भाव को नहीं उभार पाती है, क्योंकि कोई भी चीज है जब उसका प्राकृतिक जो सजावट है और उस पे कुछ आप कृत्रिम सजावट करते हैं तो वो अपना मुख्य भाव को नहीं उभार पाते हैं। तो इसी तरह आपका जो भी इस कला में मूर्तियां बनी उस पे बहुत सारा सजावटी किया गया, जिसके कारण मूर्तियां अपनी भाव को नहीं उभार पाती है। आप ही देखें, आपका जो है एक प्राकृतिक सुंदरता है और उस पे जो है वो ज्यादा आप अलंकरण करते हैं तो आपका जो मुख्य चीज है, प्रकृति के दिया हुआ जो रूप है वो नहीं उभर पाता है। तो इस तरह से आपका पाल शासन काल के जो भी मूर्तियां बनी वो अपना भाव को उत्पन्न नहीं कर पाती है, क्यों, क्योंकि अतिशय अलंकरण किया गया। तो बौद्ध धर्म में ही कहा गया है कि कोई भी चीज को अति नहीं करना चाहिए, मध्यम मार्ग को अपनाइए, बीच के रास्ता को अपनाइए, अतिशय बहुत खराब चीज है। तो इस तरह से मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मूर्तियां पर बहुत सारा श्रृंगार किया गया, अलंकरण किया गया, जिसके कारण इसका जो है वो भाव उत्पन्न नहीं हो पाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका पाल शासन काल। अब देखते हैं कि दक्षिण भारतीय कला शैली, तो दक्षिण भारतीय कला शैली, ये सब उत्तर भारत की मूर्ति कला शैली था मुख्य रूप से, अब दक्षिण भारत कला शैली है, इसमें कह रहा है इसका विकास चोल एवं पल्लव शासन काल में हुआ, क्योंकि आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास तो उसी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा चोल चालुक्य राष्ट्रकूट या फिर जो है वो पल्लव थे, ये सब दक्षिण भारत के शासन किए थे और इनके समय में भी मूर्ति कला का विकास हुआ था। लेकिन पूरा अगर दक्षिण भारत को देखा जाए तो दक्षिण भारत में सर्वोत्तम मूर्ति कला का उदाहरण नटराज की मूर्ति मिलती है महाबलीपुरम से, जो टोटल दक्षिण भारत की सर्वोत्तम उदाहरण थी। तो कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वोत्तम मूर्ति कला चोल शासन काल में बनी नटराज की मूर्ति में देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा नटराज की मूर्ति काफी फेमस है। दक्षिण भारत की सर्वोत्तम मूर्ति कला का उदाहरण कहां से मिलती है, तो नटराज की मूर्ति जो चोल शासन काल में बना था, आप चोल पढ़ेंगे जिसमें शासन काल राजेंद्र प्रथम और राजाधिराज प्रथम ये सब मिलेगा, जिसमें देखिएगा कि श्रीलंका तक आक्रमण किया था, राजेंद्र प्रथम श्रीलंका के शासक को पकड़कर भारत में लाकर बंद कर दिया था और पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। तो उसी के समय में आपका चोल शासन काल में ही नटराज की मूर्ति बना था, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोत्तम मूर्ति कला का उदाहरण था। क्योंकि आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के इतिहास में भी बहुत सारा मंदिरों का महत्व रहा है प्राचीन काल से ही, और इस तरह से वहां भी मूर्ति कला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और उसी में अगर देखा जाए तो सर्वोत्तम मूर्ति कला का उदाहरण कहां से मिलता है, तो नटराज की मूर्ति से मिलता है महाबलीपुरम में, जो कि चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से दक्षिण भारत की सर्वोत्तम मूर्ति कला का उदाहरण क्या है, तो नटराज की मूर्ति
ही है और ये कह रहा है कि चोल काल की सर्वोत्तम मूर्ति नटराज की मूर्ति है। तो दक्षिण भारत की मूर्ति देखे या चोल काल की सर्वोत्तम मूर्ति कला देखे तो नटराज की ही मूर्ति है। तो इस तरह से आपका दक्षिण भारत का ये मूर्ति कला शैली है और ये सब देखे तो हम उत्तर भारत या फिर पश्चिम उत्तर भारत का जो है मूर्ति कला शैली था, पूर्वी भारत का मूर्ति कला शैली था। तो इस तरह से लगभग भारत में मूर्ति कला शैली का विकास हुआ, प्राचीन काल से ही विकास होते आ रहा था और जो है वो अपना प्रभाव छोड़कर गया। तो इस तरह से ये आपका मूर्ति कला शैली का चैप्टर था जो हम लोगों ने देखा, परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग देखें, नोट्स बनाएं और जब भी समय मिले आप लेक्चर को सुने, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है। तो आपको जब भी समय मिले आप वीडियो को जो है वो सुनते रहें, जब आपको जो है लगे कि जो है वो अच्छा हो गया तो फास्ट करके देखते रहें, लेकिन जब भी समय मिले सुने, आपका जो है तैयारी बेस्ट होगा, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। ये नहीं कि आप बहाना बनाते रहें, तो बहाना बनाने से आपकी तैयारी नहीं होगी, आपको ईमानदारी से मेहनत करना होगा तभी आपको सफलता मिलेगी। तो कीजिए और जो है मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप भी अपना कर्म करें, तभी जाकर जो है वो दोनों मिलेंगे, तभी सफलता मिलेगी। इसलिए आपका जो भी वीडियो जा रहा है देखिए, अच्छा छठा वीडियो था, पांच गया है, पहले उसको देख ले उसके बाद ये देखे, और जब भी समय मिले आप पिछले पीछे वाला जो भी वीडियो है उसको रिकॉल करते रहें, करेंट जा रहा है उसको भी देखते रहें। आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका तुरंत जो है वो एक और वीडियो आएगा और ऐसे ही आपका स्टैटिक जीके का सीरीज चलते रहेगा। हम सब स्टैटिक जीके को यूट्यूब पर देंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छा हो सके। तो मैं आपको सुविधा दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। डेली हम कहते हैं कि इस क्लास को आप लोग से जितना हो आप सभी शेयर करें, ठीक है। आज यहीं तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।